दोस्तों IQ Neo 9 Pro 5G फ्लैगशिप स्मार्टफोन है एंड गाइस काफ़ी ज़्यादा गेमिंग के लिए बढ़िया स्मार्टफोन है। आइए देखते हैं इसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिल जाएंगे। सो गाइस लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सो दोस्तों यार ये रहा हमारे पास स्मार्टफोन IQ Neo 9 Pro 5G, इसका फुल नेम है दोस्तों एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग दोस्तों लुक के साथ आता है एंड थोड़ा गाइस इसका प्राइस भी आपको थोड़ा हाई रहने वाला है। सो आइए स्टार्ट करते हैं पहले प्राइस से यहाँ पे। तो दोस्तों इसमें आपको तीन वेरियंट्स मिल जाएंगे, 8 GB रैम, 128 GB स्टोरेज, 8 GB रैम, 256 GB स्टोरेज एंड 12 GB रैम दोस्तों एंड 256 GB स्टोरेज के साथ। सो गाइज 35,000, 37,000, 39,000, सो गाइज मतलब 35,000 उसका बेस वेरियंट स्टार्ट है एंड गाइज मैक्स 12 GB रैम वाला 39,000 तक आपको पड़ जाएगा नॉर्मल डिस्काउंट लगा के। बाकी दोस्तों इसके बाद आप कार्ड कूड का भी लगा सकते हो। सो दोस्तों प्राइस कुछ इस प्रकार का इसका होने वाला है। नेक्स्ट गाइज बात करें डिस्प्ले की, तो दोस्तों यहाँ पे आपको 6.78 इंचज़ की LTPO AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगी दोस्तों विद 144 Hz रिफ्रेश रेट गाइस, मतलब कि गेमिंग के लिए गाइस काफ़ी सही होने वाला है इतना रिफ्रेश रेट। एंड प्लस गाइस जो डिस्प्ले की दोस्तों जो पीक ब्राइटनेस होने वाली है वो भी 3000 निट्स की होने वाली है। तो दोस्तों डिस्प्ले आपकी काफ़ी ज़्यादा ब्राइट होने वाली है, मतलब धूप वगैरह में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे ऐसे हमको कई बार ऐसे फ़ोन छाया में करना पड़ता है धूप में अगर हम फोन चला रहे होते तो, है ना। बट गाइज 3000 निट्स की मेरे हिसाब से दोस्तों काफ़ी ज़्यादा डिस्प्ले ब्राइट होती है क्योंकि नॉर्मली हम मैंने 600 निट्स वाले फ़ोन भी यूज़ कर रखे हैं, 600, 800 ऐसे ऐसे 1000 निट्स के भी। तो दोस्तों ये तो 3000 निट्स की है, तो दोस्तों डिस्प्ले मतलब काफ़ी सही है, AMOLED डिस्प्ले है, 144 Hz का रिफ्रेश रेट है, प्लस गाइज ब्राइटनेस भी काफ़ी सही है। कैमरा गाइज हम देखें यहाँ पे तो आपको सोनी 50 MP का सोनी IMX920 कैमरा मिलने वाला है बैक में, जो कि प्राइमरी कैमरा होने वाला है दोस्तों, प्लस आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा 8 MP के साथ में दे रहे हैं बैक वाली साइड पे। वहीं पे दोस्तों फ्रंट में आपको मिलेगा 16 MP का सेल्फी कैमरा एंड गाइज की ऐसा नहीं कि 16 MP दोस्तों ये कम क्वालिटी वाला होगा, मतलब दोस्तों फ्लैगशिप फोन आपको पता है कि कैमरा के सेंसर जो काफ़ी सही होते हैं, मतलब ठीक है नॉर्मल अगर आप देखो ना, अगर वहीं पे आप कोई फ़ोन ले रहे हो ना 12-13 हज़ार का जिसका कैमरा 50 MP का है और वहीं पे आप कोई ऐसा ले रहे हो कि 20-30+ 1000 के ऊपर का फ़ोन उसका कैमरा 50 MP का है, तो दोस्तों आपको डिफरेंस सामने क्लियर दिखेगा कि कितना फ़र्क है कैमरा के क्वालिटी में। सो गाइस कैमरा क्वालिटी भी काफ़ी डिसेंट होने वाली है इस फ़ोन की, मतलब कि बढ़िया होने वाली है। और बैटरी दोस्तों यहाँ पे आपको दे रहे हैं 5160 mAh। अब दोस्तों इसका मुझे फंडा नहीं समझ आया कि 5160 mAh क्या होता है ये, क्योंकि हम तो नॉर्मली 5000 mAh देखते हैं या 5500 देखते हैं 5500 mAh की, बट दोस्तों 5160 mAh की बैटरी अब दे रहे हैं ये, प्लस गाइस 120 W का आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल रहा है। तो दोस्तों आपकी बैटरी भी जल्दी से चार्ज हो जाएगी, आई थिंक 30-40 मिनट तक आपकी बैटरी चार्ज हो जानी चाहिए। बाकी दोस्तों 5-10 मिनट आपको तो ज़्यादा नीचे लगते हैं क्योंकि इन्होंने टेस्टिंग में किया होता है चार्ज को जितना भी क्लेम करते हैं। अब आपको तो आपके घर की कंडीशंस कुछ अलग हो सकती हैं, शायद आपके घर पे थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिसिटी का मतलब फ़र्क हो, है ना। सो दोस्तों इस तरह की इसमें बैटरी और चार्जर होने वाला है। प्रोसेसर गाइस आपको ये मिलने वाला है इसमें स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 दोस्तों, काफ़ी मतलब डुअल चिप पावर प्रोसेसर दोस्तों होने वाला है ये विद द एंटू बेंचमार्क स्कोर ऑफ गाइज 1.5 मिलियन, मतलब गाइज 15 लाख। सो दोस्तों बहुत ही पावरफुल दोस्तों प्रोसेसर है ये एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल स्मार्टफोन्स लाइक 2025 के अंडर जो आते हैं उनमें गाइज हमको पता है हद 6-7 लाख तक का तो स्कोर होता है, बट गाइज ये आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा एक जोरदार स्मार्टफोन दोस्तों आप इसको बोल सकते हो, मतलब गाइज गेमिंग में तो मतलब आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों काफ़ी सही इसमें प्रोसेसर भी। अदर फीचर्स में गाइज आपको इसमें एंड्रॉयड 14 का सपोर्ट मिल जाएगा विद 5G गाइज, OS इसमें फन टच OS 14 होने वाला है, क्योंकि आपको पता है यार कि IQ आपको पता है वीवो का ही बच्चा बोल लो यार इसको, है ना। एंड गाइज वाईफाई 7 का सपोर्ट प्लस गाइज ब्लूटूथ वर्जन ब्लूटूथ 5.3 इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट गाइज एंड प्रीमियम लेदर डिज़ाइन आपको मिलने वाला है इसमें। तो दोस्तों ऐसे और भी बहुत सारे छोटे मोटे फीचर्स आपको इसमें मिलने वाले हैं, प्लस गाइज वन मोर थिंग कि अगर आपको चाहिए UFS 4.0 का सपोर्ट तो गाइस आपको लेना पड़ेगा 256 GB स्टोरेज वाला स्मार्टफोन, क्योंकि जो 128 GB वाला स्टोरेज वाला गाइस जो बिल्कुल बेस वेरिएंट है उसमें आपको UFS 3.1 ही मिलने वाला है। सो गाइस ये चीज़ आप लोग ध्यान रखें। बाकी गाइस देखिए गेमिंग के लिए इन्होंने बोला कि 144 Hz FPS इंटरपोलेशन अवेलेबल फॉर लिमिटेड गेम्स, मतलब गाइस काफ़ी मतलब कि सही फ़ोन होने वाला है। बाकी दोस्तों प्राइस भी तो काफ़ी हाई है यार, ठीक है ऐसा तो है नहीं कि बड़ा सस्ता फ़ोन है, तो मतलब ऐसे इस रेंज में गाइस हम ये सब चीज़ें एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं यार। देखो अब जो बंदा 36,000 रुपीज़ पे कर रहा एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स में, तो दोस्तों उसको तुम अच्छी क्वालिटी दो यार कुछ तो गाइस वैसे ठीक स्मार्टफोन है वैसे, है ना। तो दोस्तों यही था यार आज के वीडियो में, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी दोस्तों। अगर आपको कोई डाउट है किसी चीज़ के रिगार्डिंग, कोई आप स्मार्टफोन का कोई पूछना चाहते हो, प्लीज़ गाइस
कमेंट करके मुझे बताएं, मैं जरूर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करूंगा। थैंक यू सो मच।